नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ता परिंदा में। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, एक गांव में भूख प्यास नींद एवं आशा नाम की चार बहनें रहती थी। एक बार उन चारों में लड़ाई हो गई। भूख कहती मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती मैं बड़ी हूँ, नींद कहती मैं बड़ी हूँ और आशा कहती मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ और इसी तरह चौथी ने भी कहा मैं बड़ी हूँ। राजा ने इन चारों की बात सुनकर पहले भूख से कहा कि पहले तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घरों में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजाकर दी जाती है तो मैं खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ राज्य के प्रत्येक कोने कोने में यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो फिर ये क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई और जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी तो वह इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। जब भोजन नहीं मिला तो घर में बासी रोटियों को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी, वह तुरंत राजा के पास गई और बोली हे राजन, भूख तो हार गई, वह घर में पड़ी बासी रोटियों को खा रही है। देखिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में पानी का भी संचन करते हैं और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुआं ना खुदवाए और तालाब में पानी ना भरवाए, सारे कुएं और तालाब में कड़ा पहरा लगवा दो। फिर देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो यह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई और जब प्यास को प्यास सताने लगी तो वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं पानी नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब खड़े देख रही थी, वह तुरंत राजा के पास जाकर बोली कि हे राजन, प्यास तो हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है। नींद ने कहा कि राजन मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा तुम कैसे सबसे बड़ी हो। तो नींद बोली कि मेरे कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगवाते हैं और जब बिस्तर लगाकर मुझे देते हैं तब मैं सोती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को बुलवाया और बोले जाओ पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई पलंग ना बिछाए और उसमें बिस्तर ना लगवाए, देखते हैं जब नींद को नींद आएगी तो वह कैसे सोएगी। पूरा दिन बीत गया और आधी रात बीत गई। जब नींद को नींद सताने लगी तो इधर उधर बिस्तर ढूंढने लगी। जब उसे बिस्तर नहीं मिला तो वह जमीन पर ही सो गई। आशा खड़ी यह सब देख रही थी, वह तुरंत राजा के पास गई और बोली राजन नींद तो हार गई, वह बिना बिस्तर के जमीन पर ही सो रही है, इसलिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने कहा कि तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे कारण लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और बहुत सारी परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने यह सब सुनकर अपने सैनिकों को बुलवाया और बोला कि जाओ पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई काम ना करे, मजदूरी ना करे और मेहनत ना करे, कोई भी आशा के दीप को ना जलाए। जब आशा को आस लगेगी तो देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई और जब दूसरे दिन आशा की आस जगी तो उसने इधर उधर जाकर देखा तो चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार जलते हुए दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। आशा वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने उसे देखा
उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस तरह कुम्हार के आशा की आशा पूरी हुई, उसी तरह आपकी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीप जलाकर कर्म करते रहिए।